नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2023 के बारे में। 1 जुलाई 2023 का ये दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी, क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफर्मेशन, कौन सा है आज का वास्तु का उपाय, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले आप सभी को जुलाई के इस महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सभी का ये महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा जाए, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो और आप सभी की सारी परेशानियां दूर होते हुए नजर आए। डेफिनेटली जुलाई का महीना बहुत अच्छा होने वाला है और जुलाई के महीने के पहले दिन की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। शनिवार का दिन रहेगा और काफी ज्यादा पॉजिटिव दिन यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये वो समय है जहां पर आप सभी को पुरानी टेंशन्स को छोड़ देना है और नई चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये समय जो है ये एक्सेप्टेंस का समय है और ये समय अपने विश्वास को बढ़ाने का समय है। आज का ये दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और इस दिन को और भी ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए आप सभी को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और अपने आप को खुश रखने की कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। आज के दिन में आप सभी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और आज का जैसे जैसे दिन खत्म होगा वैसे वैसे इससे सुकून राहत महसूस होते हुए नजर आएगी, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हुए नजर आएंगे और जो नए महीने की एक एक्साइटमेंट होती है, एक रिलीफ मिलता है, वो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए डेफिनेटली ये समय तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक माहौल यहाँ पर अच्छा रहेगा, पारिवारिक माहौल अच्छा बनता हुआ नजर आता है और किसी भी तरह का कोई एक तरह से कह सकते हैं गैदरिंग हो सकती है, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हैं। आप किसी के घर पे जा सकते हैं, कोई आपके घर पे आ सकता है और कहीं ना कहीं कोई फैमिली गैदरिंग यहाँ पर हो सकती है, इस तरह के योग पूरे पूरे दिखाई देते हैं। आज के दिन में सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है और आप सभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हुए नजर आएंगे, इस तरह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। सो योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को खुश रखने का हर संभव प्रयास करें और इस दिन को और अच्छा बनाने की हर कोशिश आपको करनी चाहिए। आज के दिन में आप सभी अपने दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं, दोस्तों के साथ मन की बात शेयर कर सकते हैं और उनके साथ कोई नए आइडियाज़ पर भी काम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी वैदिक रेमेडीज़ आप सभी को करनी है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है आज के दिन में, सुबह सुबह उठ के सूर्यदेव को नमन ज़रूर करें, उनके आशीर्वाद से इस महीने की और इस दिन की शुरुआत ज़रूर करें, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन में कोशिश करिएगा कि एक बार अगर पॉसिबल हो पाए तो शिव मंदिर ज़रूर विजिट करें, शिव मंदिर जाकर के भगवान शिवलिंग के दर्शन करें और अगर जलाभिषेक कर सकते हैं तो ज़रूर कर दीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अगर पॉसिबल हो पाए तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर लीजिएगा, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी और आप सभी के काम आसानी से बनते हुए नजर आएंगे। किसी भी कामों में रुकावटें आ रही हैं या फिर कोई नज़र लगी हुई है या फिर किसी भी तरह की प्रेत बाधा से परेशान हैं या फिर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डाउन समझते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने आप के आसपास महसूस करते हैं, तो आज एक छोटा सा ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस उपाय को कर लीजिएगा, आप सभी को काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। क्या करना है आप सभी को? आप सभी को 5 राई के दाने लेने हैं, 5 पीली सरसों के दाने लेने हैं और 1 लौंग और 1 काली मिर्च आपको लेनी है। आप सभी को क्या करना है, इसे अपने सीधे हाथ में बंद कर दीजिएगा इस तरह से और आप सभी अपनी जितनी भी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है या जितना भी अपने आप को नेगेटिव फील करते हैं वो सारी चीज़ें सोच करके कोशिश करिएगा कि आप अपने हाथ में भरने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, अपने सर के ऊपर से उल्टा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा करके इस हाथ में जो भी चीज़ें हैं उन्हें साउथ डायरेक्शन में कहीं पर भी या तो प्रवाहित कर दीजिए पानी में या फिर कहीं फेंक दीजिएगा और या फिर अगर साउथ में कोई पेड़ है तो उसके नीचे रख करके उस पर पानी डाल दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय कर दीजिएगा पर इससे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आप सभी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बड़ा सा बोझ जो है वो आपके शरीर से निकल गया, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। आज का एंजल नंबर भी कुछ इसी तरह का है जो आपके लिए आसान करेगा आज का दिन और आपको बनाएगा काफ़ी ज़्यादा सक्षम और रिलीफ, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। आज का एंजल नंबर 01665
5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर है और ये नंबर आपको शांति, सुकून, प्रैक्टिकलिटी, कॉन्फिडेंस सारी चीजें देता हुआ नजर आएगा और आप सभी की हेल्थ को भी ठीक रखने में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो इसीलिए इस नंबर को आज के दिन में कम से कम 11 से 21 बार आप इस नंबर को रिकॉल करिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के दिन में कौन सा अफर्मेशन आपको इस्तेमाल करना है जो आपके लिए रहेगा बेहद खास। आज का अफर्मेशन आप सभी की खुशियों को दोगुना करेगा और आप सभी को अच्छा रखने में काफी ज्यादा मदद करेगा। नोट कर लीजिएगा प्लीज आज का अफर्मेशन, वेन आई फील हैप्पी आई मैनिफेस्ट मोर रीजन टू बी हैप्पी। ये आपको बोलना है, वेन आई फील हैप्पी आई मैनिफेस्ट मोर रीजन्स टू बी हैप्पी। मतलब कि जब भी मैं खुश होता हूँ मैं चार और नए रास्ते बना देता हूँ अपने आप को खुश रखने के लिए। एंड डेफिनेटली आपकी खुशियाँ ऐसे ही मल्टीप्लाई होती जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ ऐसे ही बढ़ते हुए नजर आएगी। आज के दिन में अगर आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में आप सभी को कई तरह की मेहनत आप करेंगे, उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे, काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, करियर में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हुए नजर आएगी और आप सभी के जीवन में नई खुशियां आते हुए नजर आएगी। मांगलिक कार्यों के लिए ये साल आप सभी का बहुत ही ज्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी राशि, नंबर और अल्फाबेट के लिए समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। राशि में यहाँ पर बात कर ली जाए तो राशियों में कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। अल्फाबेट्स में देख लिया जाए तो अल्फाबेट्स में बी डी एच आई के एल एन क्यू आर टी वी और जेड आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार दिन यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गोल्डन विश टाइम के बारे में। देखिए आज का जो दिन रहेगा वैसे तो पूरा ही दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर आज के दिन में 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का समय, शाम का समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम समय रहेगा। इस समय में कोई भी कार्य करें, कहीं बाहर घूमने जाएं, नए लोगों से मुलाकात करें, दोस्तों से बात करें, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन में आप सभी को दोपहर का समय 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का समय थोड़ा सा अवॉइड करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय में कोई भी ज़रूरी काम ना करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में कौन सा वास्तु का उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए हमारे घर का हर एक कोना बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे घर में रखे हुए सारे सामान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बट आज के दिन में आप सभी को क्या करना है, अपने फ्रिज को पूरी तरह से बैलेंस करना है। फ्रिज कभी भी हिलता डुलता नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार मैंने देखा है कि फ्रिज में वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रिज आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, जब फ्रिज का गेट खोलते हैं तो उसमें से आवाज़ बहुत आती है, या फ्रिज में से अंदर जो बर्तन रखे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बचते हैं। तो मेक श्योर कि फ्रिज में बहुत ज़्यादा आवाज़ ना हो और साथ ही साथ फ्रिज के आसपास, मतलब कि फ्रिज के बिल्कुल पास में खाने की कोई भी आइटम ना रखें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। फ्रिज हमेशा कोशिश करिए कि आपका वेस्ट को कवर करते हुए रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं पर भी वेस्ट में फ्रिज टच कर जाए तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। उम्मीद करिए कि फ्रिज का जो आपका जो गेट होता है वो ईस्ट की तरफ हमेशा खुले, तो ईस्टर्न फ्रिज ओपन होता हुआ रहेगा तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रिज का प्लेसमेंट घर के वास्तु के अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन में होना चाहिए। फ्रिज कभी भी आप सभी के वजन को नहीं बढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि फ्रिज को देख करके कभी भी बर्डन ना हो, आपकी बॉडी में कभी भी एनर्जी खराब ना हो कि अरे यार फ्रिज यहाँ क्यों रखा है, बार बार दिन में 4 बार वहीं से चक्कर लगा रहे हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि मैंने फ्रिज यहाँ क्यों रखा। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो फिर उस फ्रिज को वहाँ से तुरंत हटा दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा उपाय आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।